तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे गॉड मूवी को, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। पृथ्वी की आधी आबादी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खत्म हो चुका है और बहुत कम लोग ही जिंदा है। जिसके बाद हम वर्चुअल को देखते हैं, जो कि ट्रेन में कहीं जा रहा होता है और उसके ठीक सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। कुछ टाइम के बाद ट्रेन एक स्टेशन में रुकती है और वर्चुअल ट्रेन से उतरते वक्त कुछ खाना उस औरत को देकर स्टेशन में उतर जाता है। वर्चुअल ट्रेन से उतरने के बाद पास की दुकान में जाता है और दुकान वाला से पूछता है कि टॉयलेट कहाँ पर है। वो दुकान वाला वर्चुअल को इशारे में बताता है कि टॉयलेट पीछे है। जिसके बाद वर्चुअल टॉयलेट में जाता है और यहाँ बाहर वर्चुअल को लेने के लिए एक ड्राइवर आया था जिसका नाम मैट है। दरअसल वर्चुअल कंपाउंड नाम की जगह पर जाने के लिए एक कार बुक किया था। जिसके बाद वर्चुअल कार में बैठकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन दोनों के बीच में पैसों को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन वर्चुअल मैट की बात मान लेती है। जिसके बाद वो दोनों सुनसान से रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं। रेगिस्तान होने की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वर्चुअल कार की एसी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैट उसे एसी चलाने से मना करता है क्योंकि अगर उसने एसी चलाया तो कार के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और इंजन बंद भी हो सकता है। अब यहाँ रेगिस्तान में जाते जाते बदकिस्मत से उनका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों को रास्ते में ही टायर को चेंज करना पड़ता है। तभी वर्चुअल देखता है कुछ दूर में दो जंगली कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और एक कुत्ता मरने की हालत में आ गया है। तभी ये सब देखने बाद मैट एक कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जो घायल कुत्ता था उसे मैट जानबूझकर मार देता है ताकि उसकी यहाँ पे तड़प तड़प के मौत ना हो। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक जगह रुकने के लिए डिसाइड करते हैं और अगले दिन सुबह होता है ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वर्चुअल कार चला रहा होता है और मैट बगल में सो रहा होता है। अब ये देखकर वर्चुअल गाड़ी का एसी चला देता है, जिससे गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है। अचानक से ऐसे गाड़ी बंद होने की वजह से मैट को वर्चुअल की हरकत के बारे में पता चल जाता है और मैट बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद मैट को वहाँ कार के इंजन को ठीक करना पड़ता है और वर्चुअल थोड़ी दूर में जाकर पेशाब कर रहा होता है। तभी वर्चुअल को थोड़ी दूर में बहुत सारे पत्थर दिखते हैं, लेकिन उनमें से एक पत्थर चमक रहा होता है। वर्चुअल उस पत्थर के पास जाकर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये चमकीला पत्थर एक गोल्ड है। जिसके बाद मैट एक लाइटर की मदद से उस चमकीला पत्थर को चेक करता है और वो दोनों कन्फर्म हो जाते हैं कि एक सोना है। फिर दोनों मिलकर खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सोना वहां से हिलता भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस सोना को गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सोना नहीं निकल रहा था। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो सोना वहाँ से निकलता नहीं है। अब रात में दोनों वहाँ रुकने की डिसाइड करते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी मैट वर्चुअल को बताता है कि हम दोनों मिलकर इस सोना को नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर में जाकर जमीन खोदने वाले मशीन को लाकर सोना को निकाल सकते हैं। लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना होगा और मैट वर्चुअल को शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्चुअल शहर जाने से मना कर देता है क्योंकि वर्चुअल यही शहर में नया है और वो किसी को जानता भी नहीं है। जिस वजह से मैट उसकी बात को मान लेता है और वो वर्चुअल को कुछ खाने पीने का सामान और एक सैटेलाइट मोबाइल फोन देकर वहाँ से शहर निकल जाता है। मैट के जाने के बाद वर्चुअल वहाँ पास में ही टेंट बांधता है और रात होने से पहले वो जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है। लेकिन रात में जब वो टेंट के अंदर सो रहा होता है तब उसे कुत्तों की भौंकने का आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब अगले दिन सुबह जब वर्चुअल टॉयलेट कर रहा होता है तभी उसकी सैटेलाइट फोन पर कॉल आने लगता है, लेकिन जब तक वो कॉल उठाने के लिए फोन के पास पहुंचता है तब तक फोन कट जाता है। अब वो एक जगह पर बैठकर बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो सामने वाली रेत की पहाड़ के ऊपर जाने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले वो गोल्ड को पत्थर में छिपा देता है। जिसके बाद वो सामने वाली रेत की पहाड़ ऊपर जाता है और उसे थोड़ी दूर में एक टूटे हुए प्लेन दिखता है जो कि बहुत टाइम पहले क्रैश हो गया था। वर्चुअल उस प्लेन को देखकर सोचता है कि ये उसकी रहने के लिए अच्छी जगह हो सकता है, लेकिन उसे गोल्ड की भी रखवाल निकलनी होती है, इसीलिए वो कुछ एरोप्लेन की पार्ट्स अपने साथ टेंट में ले आता है और वो उस पार्ट्स को अपने टेंट में लगा देता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो टेंट में ही सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी नींद खुल जाती है और वो सोने के पास जाकर बैठ जाता है और सोने के बारे में ही सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पत्थर की मदद से एक सोने का टुकड़ा को तोड़ देता है, जिससे वो संभाल कर अपने बैग में रख देता है। इसी बीच उसे मैट का कॉल आता है और वर्चुअल मैट को बताता है कि उसने एक सोने का टुकड़ा को तोड़ दिया है, लेकिन मैट उसे बताता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे आने में थोड़ा लेट होगा। जिसके बाद रात हो जाती है और वर्चुअल वहाँ आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन रात में जंगली कुत्ते उसे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वर्चुअल किसी तरह बच जाता है। अगले दिन सुबह जब वर्चुअल टॉयलेट कर रहा होता है तभी उसके तरफ एक सांप आने लगता है, जिसे देखने के बाद वर्चुअल उसे मार कर खाने के लिए सोचता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसी चक्कर में उसकी पानी नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्चुअल फिर से उसी प्लेन के पास जाता है
और प्लेन की कुछ पार्ट्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्सल देखता है कि कोई सामने से आ रहा है। इसे देखने के बाद बर्सल प्लेन के अंदर छुप जाता है। जब वो आदमी बर्सल के पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की है। वो लड़की बर्सल को खाना और पानी ऑफर करती है, लेकिन बर्सल कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तभी वो लड़की बर्सल के बारे में जानने के लिए कोशिश करती है, लेकिन बर्सल गुस्से में वहाँ से आगे जाने लगता है। तब वो लड़की बर्सल के पीछे पीछे आने लगती है, जिस पर बर्सल उस लड़की पर भड़क जाता है और वो गुस्से में उस लड़की को जान से मार देता है। जिसके बाद बर्सल उस लड़की की बैग को चेक करता है और कुछ जरूरी सामान अपने पास रख लेता है, और बर्सल उस मरे हुए लड़की को मिट्टी में दफना देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुछ जंगली कुत्ते आकर उस डेड बॉडी को मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं, जिस कारण बर्सल उस लड़की को आग में जला देता है। और ऐसा करते हुए बर्सल की आँख में पानी आ जाता है। अगले दिन सुबह बर्सल के पास फिर से मेड का कॉल आता है और बताता है कि उसे पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, जिसे सुनने के बाद बर्सल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बर्सल सामने देखता है कि एक ट्रक जा रहा है, लेकिन सोने के लालच में बर्सल यहाँ से नहीं जाता है। अब थोड़ी देर के बाद रेगिस्तान में एक भयानक तूफान आता है, जिससे बचने के लिए बर्सल अपने टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान में टेंट का सारा सामान उड़ जाता है। लेकिन बदकिस्मत से एक लकड़ी बर्सल की पीठ में घुस जाता है, जिस कारण बर्सल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब बर्सल का आँख खोलता है तो उसका हालत बहुत खराब था। अब तूफान की वजह से सारी जगह रेल से भर चुका था, इस वजह से वो पागल की तरह सोने को ढूंढने लगता है, और ढूंढने के बाद उसे सोना मिल जाता है। सोने के पास बैठकर वो अपनी पीठ से लकड़ी को बाहर निकालता है, लेकिन पेन और ब्लीडिंग की वजह से बर्सल फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसका आँख खोलता है तो वो अपने पास एक लड़की को पाता है। वो लड़की बर्सल का हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन सोने के लालच में बर्सल उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन वो लड़की जाने से पहले वो बर्सल को एक बात पूछती है। वो पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है, जिस पर बर्सल उसे मना कर देता है। तो वो औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बर्सल देखता है कि उसे चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने घेर लिया है, जिस वजह से बर्सल जल्दी से मेड को कॉल लगाता है और उससे हेल्प मांगता है, जिस पर मेड बताता है कि वो 5 मिनट के अंदर ही उसके पास पहुंच रहा है। तभी हम मेड को देखते हैं जो कि दूर से बर्सल पर नजर रख रहा होता है, और देखते ही देखते जंगली कुत्तों ने बर्सल को नोच नोच के खा जाते हैं, जिस वजह से बर्सल की डेथ हो जाता है। बर्सल की डेथ होने के बाद मेड मोशन को लेकर वहाँ पहुंच जाता है और बर्सल के डेड बॉडी के पास पहुँच कर मुस्कुराता है, जिससे हमें मेड के इरादे के बारे में जान पाते हैं। लेकिन तभी अचानक से मेड की छाती पर एक तीर लग जाता है, लेकिन मेड ये नहीं जान पाता है कि उसे किसने तीर मारा है, जिसके थोड़ी देर बाद हम जान पाते हैं कि मेड को उस लड़की ने तीर मारा होता है। और दोस्तों इसके साथ ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी आज की मूवी गर्ल का एक्सप्लेनेशन। सो दोस्तों आपको इस मूवी से क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।